सग्रजातं सनातनिकं तं सजीवं साद्वैतं साधुकं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वनिर्मिता श्रीविशाखानितान् सोमचान्द्रं तस्य ध्यानान्यशाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नामदेवाय धीमते सममुक्ते श्रीमद्भक्तिसिद्धान्तसरस्वती श्रीवारिसभानिधेवि दयिताय कृपाद्वय कृष्णसन्धिविलान दायिनी प्रभुनाथब्रह्माण्डो श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणासक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणि त्रिमूर्तये जनकारिणि श्रीरूपानुगभक्ताप सिद्धान्तदन्तहारिणि श्रीगौरकरुणासक्ति नमस्ते भक्तिविनताय सचिदानन्दाय वैष्णव सर्वं श्री जगन्नाथाय नमः पाञ्चालगुरुभ्यश्च कृपा वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिवृन्दे शतवृत्तये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वृंदावनवासी महाप्रभु नवदीपवासी जग महाप्रभु महाप्रभु Thank you.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्रीला वरिष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र श्री कृष्णनाथ भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुदेव नित्रीला वरिष्ठ श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता गाय सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। इसलिए किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया है, हमको भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? जैसे हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, इसलिए कहते तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है? कहते एक कृष्ण नाम ही जब तो पाप है, मतलब एक कृष्ण नाम करने से जितने पाप नष्ट हो जाता है, कहते पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। कहते एक कृष्ण नाम से ही जीव का सारे दुख कष्ट जीव की सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। जो भगवान का नाम ग्रहण करता है उसको क्या भले हैं? इसलिए जब महाराज चित्रगुप्त कहते हैं कहते उसका तीन भले, क्या भले क्या क्या है? कहते जो भगवान का नाम लेता है उसको तीन फल मिलता है। पहला नंबर है जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त कौन है? सारे हमारे जो हिसाब किताब लिखता है चित्रगुप्त को कहते हैं रजिस्टर इसका नाम काट दो, इसका नाम काट दो, अभी ये नर्क नहीं आएगा। क्यों? ठाकुर का नाम नहीं। दूसरा काम क्या होता है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखियों को कहती है बोले रजिस्टर लाओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम सबसे नीचे वो अभी सीधा गोलोक वृंदावन आ जाए और उसको संसार का दुख कष्ट उसको उठाना है, सीधा ठाकुर के पास ना हो। बोले तीसरा काम क्या होता है? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते। क्यों? वो व्यक्ति जब भगवान का धाम को जाएगा भूर भोग मोह जन तप सत्य लोक पार करते हुए जाएगा, जब जाएगा मैं उसका आरती कर दूँ, मैं उसका आरती उतार दूँ, मतलब भगवान का नाम लेने का इतने इतने महिमा। कहते अगर किसी तरह से संकीर्तम पारिहासम स्तोभम हेलन आविर्भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहनम। इसलिए जब सिर्फ विष्णुदूत कहते हैं अगर भगवान के नाम किसी तरह से ग्रहण करो जीव का कल्याण होता है। संकेत करके इशारा करके नेग्लेक्ट पूर्वक उपहास करते हुए कीर्तन का छल में किसी तरह से प्रभु का नाम लो मंगल भवन अमंगल भगवान का नाम। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान का नाम ग्रहण करने से जीव भव बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभी प्रश्न होता है हम भी तो भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन ये नाम लेकर हम फल क्यों नहीं मिल रहा है? कारण बोले कारण है जैसे लेनी चाहिए हम कैसे नाम को नहीं ले रहे हैं, इसलिए नाम का फल हमें सही सही नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया भगवान का नाम को हम कैसे लेनी चाहिए तब फिर हमें भगवत प्राप्त हो ठाकुर का दर्शन मिलेगा। तब प्रभुपाद यहाँ उत्तर देते हैं बोले शुद्ध भक्तगण पाप निवारण पुण्य संग्रह अथवा स्वर्ग प्राप्त जन्य अथवा जगते दुर्भिक्ष महामारी अशांति राष्ट्र विप्लव रोग निवारण धन गमन राज्य प्राप्त प्रभृति भग्य वस्तु लाभर जन भगवान के जाके ना। जो भक्त लोग हैं जो भगवान को बुलाते हैं वह भगवान का नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं? साधारण लोग सोचते हैं भैया भगवान का नाम लेने से हमारा पाप दूर हो जाएगा है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। कहते भगवान भक्त लोग पाप दूर के लिए पाप नाम ले देते हैं, कहते हमारी पुण्य होगा पुण्य होने से स्वर्ग भोग करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। कहते भक्त लोग इसलिए प्रभु का नाम नहीं ले रहे। बाह जगत में कुछ दुर्भिक्ष बड़ा हुआ है, दुर्भिक्ष समझता हूँ दुर्भिक्ष क्या है? अकाल तो क्या बोलता हूँ दुर्भिक्ष में समझते भी नहीं अकाल। हाँ अकाल पड़ा हुआ इसीलिए नहीं तो कोई महामारी कोई बीमारी आ गई नहीं तो कोई अशांति आ गई नहीं तो कोई रोग आ गया नहीं तो कोई धन कमान पर राज्य प्राप्ति भोग्य वस्तु के लिए भगवान को नहीं खिलाते हैं। इसलिए भगवत नाम जब हम साक्षात परमेश्वर तबन से परमेश्वर के द्वारा निज को भोग कार्य कराए तो चाहिए भगवान के परम पूज्य वस्तु के भृत्य रूप में परिगणित करा।
यद भगवान कौन है? ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मा मालिक ठाकुर जी, जिनके एक इशारा होने पर पृथ्वी में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है ठाकुर जी को है। इसलिए कहते हैं भक्त लोग जो भगवान को बुलाते हैं, जब हम उनको बोलेंगे हमारी भोग का वस्तु दो है, कहते उसको द्वारा क्या होगा? कहते भगवान को अपना नौकर कराना। पहले बोल रहे थे ना, जैसे ठाकुर का मंदिर में गए, 10 रुपया चढ़ाया, 10 करोड़ का एक पर्ची रख दिया ठाकुर जी, इसलिए 10 रुपया चढ़ाया, फूल ने तो फल दिया, आकर मेरे घर का काम कर दो, मेरे घर बना दो, बेटी की शादी कर दो, नौकरी चाकरी करा दो, फिर तो कहते भगवान को अपना नौकर कराना होता है। इसलिए कहते भगवान को पास में कुछ मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर सब जानते हैं, ठाकुर जी सब जानते हैं। अगर उनकी चरण में शरणागत हो जाओगे ना, उसका उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी, उदाहरण देते हैं, जैसे बालक राखे मेहतारी, मेहतारी मतलब होते माँ, मेहतर किसको कहते हैं? जो टाटी पेशाब साफ करता है, बच्चे अगर टाटी पेशाब करता है कौन साफ करती है? वो माँ कहती है। यहाँ पर माँ के साथ में उदाहरण दिया, जैसे एक माँ बालकों को रक्षा करती है, जैसे आप यहाँ से कई कतल जाओ नहीं तो बम्बे जाओ, तुम्हारी बेटा अपना तुम्हारी छोटी बेटी तुम्हारे साथ, वो बेटी ये नहीं सोचती रास्ता में मैं क्या खाऊंगी, मेरा ब्रश है कि नहीं, टूथपेस्ट है कि नहीं, कपड़ा पहनने के लिए है कि नहीं है, वो बच्ची कभी सोचती है? नहीं नहीं सोचती। कौन सोचती है? माँ। माँ उसको पता है मैं माँ की चरण में शरणागत हूँ, इसलिए मैया मेरे को सब कुछ मैया ने कर ली, उसको फिर न विश्वास। इसलिए भले ही माँ स्वयं भोजन नहीं करेगी, लेकिन जब तक अपना बच्चे को नहीं खाना खिला देती ना, जैसे बच्चा सो गया, हेल्थ के लिए थक गया सो गया, मैया कोई बढ़िया चीज़ बनाई, अब देखना जब तक बच्चे को उठा करके नहीं खिला देती है माँ, तब तक भोजन कभी नहीं करेगी। अगर कोई बोला बच्चा नहीं खाया, कोई बात तू खा ले, मैया खा सकती है, उसको मुँह में जाएगा नहीं, बोले मेरे बच्चे को मैंने खिलाया नहीं, मैं कैसे खा लूँ, और नहीं उठेगा ना जोर जबरदस्ती उसको हाँ मार पिटा करके वो उसको उठा करके खिलाएगी, और खिला करके ही मैया जा करके उसको फिर खाना खाती है। क्या उसी तरह जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं ना, ठाकुर जी के चरण में जब हम शरणागत हो जाते हैं, फिर हम अपने आप को कोई चिंता नहीं, वो ठाकुर ही हमारे सबको श्री ठाकुर जी सोचेंगे हैं, ठाकुर ही सोचेंगे, आपको सोचने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन कमी कहाँ पर है? कमी हमारे अंदर में, कमी ठाकुर जी के ऊपर में कमी नहीं है, कमी हमारे ऊपर में, क्यों हम किसी दूसरे व्यक्ति को चरण में शरणागत हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरण में शरणागत होने के लिए राजी नहीं। जिस समय एक समय द्रौपदी भगवान कृष्ण से पूछे, बोले प्रभु उसे स्पीकर ना उधर घुमा दो, इसलिए एक दिन द्रौपदी ने एक बार भगवान से प्रश्न की, बोले प्रभु जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था तदम, इसलिए जब वस्त्र हरण कर रहा था मैंने आपको बड़े देर से बुलाई, आप आने में देर क्यों लगा? भगवान कहते द्रौपदी तुम झूठ बोल रहे हो। प्रभु झूठ क्या बोल रहे हैं, सच ही बोल रहा हूँ। बोले द्रौपदी सही सही बताओ, तुम मेरे को दिल से पुकार रहे? बोले दिल से नहीं, कब्र से पुकार रहे थे। बोले सही बताओ, बोले द्रौपदी तेरे को रक्षा करने के लिए तो आधा रास्ता पर आ गया था, लेकिन वहाँ से मैंने वापस चला गया। बोले वापस से क्यों गए? बोले मैं जब रक्षा करने के लिए तुमको आए, तुम उसी समय ये सोच रहे थे मेरे 5 पति यहाँ पर हैं, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ भालाधारी श्री युधिष्ठिर, तलवार युद्ध में इनके बराबर दुनिया में कोई नहीं थे, बोले मेरे 5 पति हिजड़ा क्या कर लेगा, बताओ तू सोच रही थी कि नहीं? बोले प्रभु मैं तो सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले बीच में झर क्यों पड़ता, इसलिए मैंने वहाँ से वापस गया। बोले और थोड़ा नजदीक में भी आया तेरे को रक्षा करने के लिए, तब भी मैंने वापस लिया। बोले क्यों? बोले तुमने जब देखा ये कुछ बोल नहीं, तुम किसको तरफ में देख रहे थे? पितामह विष्णु की तरफ, तो कुछ बोलेंगे मैं कुलगत हूँ, तुम देख रहे थे धृतराष्ट्र की तरफ में, कृपाचार्य की तरफ में देख रही थी हैं, इसलिए तुम
द्रोणाचार्य तरफ में देख रही थी कि नहीं? हाँ प्रभु मैं देख रही थी। फिर द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले, फिर बीच में क्यों आता? इसलिए वहां से मैं वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में आ गया था तेरे को बचाने के लिए, फिर वापस गया। बोले फिर क्यों गए? बल्कि तुमने जब देखा कोई भी मेरे को बचा नहीं रहे हैं। बोले मैं साधारण घर का थोड़ी लड़की हूँ द्रोणाचार्य, मैं श्री द्रुपद महाराज की अजोनी संभवा यज्ञ से प्रकट हुई, मैं अपने को खुद को रक्षा कर लूँगी। तुम अपना कपड़े को चोर करके पकड़ लगे, पर दांत को नीचे दबा करके रख दिया। लेकिन दुशासन के सामने कहाँ चली सके हैं? दुशासन के सामने कहाँ चली? उसने जब देखा किसी तरह से मैं खुद को खुद नहीं बचा पा रही हूँ, फिर दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद रात शरण अब तो जीवन हारी, हे ठाकुर जी तेरे सिवाय और कोई मेरे को बचाने वाले नहीं। जब दोनों हाथ ऊपर उठा दिया कंप्लीट तुमने सरेंडर हो गया ना, फिर मैं वस्त्र रूप में पट गया। फिर तो 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं साड़ी हो गई। नारी क्या साड़ी हो गई? साड़ी खेचते 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 पहाड़ जैसे हो गया, साड़ी खत्म नहीं हो रहा है। और लास्ट में स्वयं दुशासन गिर पड़ा। साड़ी कैसे करते लास्ट में वो गिर पड़ा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान से कोई चीज मत मांगा, कोई चीज मांगने का जरूरत है वो सब जानता है, केवल उसकी चरण में शरणागत हो जाओ, उनकी भक्ति करो, उनकी चरण में शरणागत हो जाओगे ना। भगवान स्वयं कहते हैं है? भगवान राम स्वयं कहते हैं कि सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, बोले सकृत एव प्रभरना जस तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मयी ददामि यतत व्रतम। भगवान स्वयं कहते हैं व्रत है। बोले क्या व्रत है? कहते एक बार कोई अगर सच दिल से बोल दे ठाकुर मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, तू मेरा और मैं तेरा हूँ। भगवान कहते अभयम सर्वदा तस्मयी ददात यतम व्रतम, ये मेरी व्रत है, हर समय मैं इसको अभय प्रदान करता हूँ। केवल शरणागत हो जब मांगने का जरूरत नहीं। देखो उदाहरण दिए, जैसे किसी व्यक्ति को पास में जाने पर वो मांगता है, भले ही आपने 1,000 रुपया एक बार दे दिया, फिर मांगता है, फिर 500 रुपया दे दिया, फिर मांगता है, फिर 200 रुपया दे दिया, फिर मांगता है, 100 रुपया दे दिया ना। वो व्यक्ति अगर आएगा, अगर वो व्यक्ति आएगा तो आप परिवार से बोल देना वो आए तो बोल देना वो घर में नहीं है। बोलोगे ना वो व्यक्ति घर में नहीं, नहीं। अगर तुम तो दूर से देख लिया ना ये कोई मांग नहीं बैठे, क्या करेगा? मुंह घुमा कर दूसरे तरफ में चले जाएगा। इसलिए अगर ठाकुर जी को तुम बारम्बार मांगोगे, ठाकुर जी को मांगोगे ठाकुर ये दे दो ये दे दो ये दे दो, मांगोगे ना ठाकुर देखेगा बोलेगा भैया बोल देना मैं घर में नहीं, घर में नहीं, उसको घर से वापस दे देना। नहीं तो ठाकुर जी वहां देख करके ना मुंह फिरा कर चले जाएंगे, मुंह फिरा कर ठाकुर जी चले जाएंगे। बोले जब जब देखो तभी मांगता है, जब देखो तभी ये मांगता है, इसलिए ठाकुर को भी पसंद नहीं। इसलिए ठाकुर को पास में जाना करके बारम्बार मत मांगा करो, नहीं तो ठाकुर बोल दे भैया मैं है नहीं, नहीं। इसलिए मांगने का जरूरत नहीं। उनको क्या करो भगवान से मांगो मत, भगवान को मांगो। क्या करो भगवान से मांगना नहीं, भगवान को ही मांगो। अगर उनको ही तुम मांग लोगे ना सेवा करोगे तो हनुमान का नाम जाने तो जानते कौन कौन हनुमान का नाम जानते। देखो उन्होंने भगवान से क्या मांगा, बोले प्रभु बार बार भर मांग हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी कक्षी सदा। जब भगवान बोले हनुमान मांग ले क्या चाहते हो, प्रभु एक बार नहीं बार बार बर मांग हूँ तेरे को, मैं बार बार मांग रहा हूँ क्या? अगर प्रसन्न आप हो हमें क्या कर सत्संग दो, हाँ आपकी भक्तों का संग दो और आपकी चरण की हमें भक्ति दो, सेवा प्रदान करो। देखो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका चले ना हनुमान।
कर दिया, ऐसे वचनबद्ध कर दिया, भगवान राम ही इनकी बन गए। सारा दुनिया जिनके बगैर चलता नहीं, भगवान के बगैर दुनिया नहीं चलता, लेकिन राम किसके बगैर नहीं चलते, हनुमान के बगैर नहीं चलते। क्यों? कारण है ये सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है। इसलिए मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर को सेवा करो, सेवा करोगे ना अपने आप मेवा दे देंगे। उनको सेवा नहीं करोगे तो बोले मांगते रहोगे मांगते रहोगे, उनको खिलाओगे नहीं पिलाओगे नहीं श्रृंगार नहीं करोगे सेवा नहीं करोगे, अपना शरीर को दिन भर सजाते रहोगे, ठाकुर को नहीं सजाओगे, ठाकुर को खिलाओगे नहीं खुद खाते रहोगे, तो ठाकुर तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? कोई काम धाम नहीं भगवान, तो देखते ही भाग जाएंगे, बोलिए आते ही मांग जाइए हमें, ये आते ही मेरे पास में मांगेगा, इसलिए यहाँ से भगो यहाँ से। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया भगवान से मांगने का कोई जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, केवल जैसे नरसिंह भगत है भक्त का नाम जानते होंगे ना, इसलिए भक्ति करता था जब उसकी, पहले तो बड़ा बड़ा धनी आदमी था पहले है, इसलिए बेटी की दहेज में बहुत पैसा दिया, लेकिन बहुत पैसा दिया बाद में सब कुछ छोड़कर संत बन गया। जब संत बन गया उन्हें सब कुछ उन्हें लुटा दिया, अथाह पैसा था घर में सब कुछ, उसका बेटा भी उसके साथ में संत बन गया, पिता बेटा दोनों ही संत बन गए, दिन रात प्रभु का भजन भक्ति करते हैं। लेकिन जब बेटी की शादी कर्माबाई की शादी दी, उसको बाद में क्या हुई, उसको बेटी की बेटी हुई, जब बेटी की बेटी हुई नियम है जब उसकी जब शादी होगा उनको कुछ देनी चाहिए, लेकिन उसका जो सास ससुर ना जो नरसिंह भक्त का जो बेटी की बड़े तेज थे, इसलिए बोले भैया उसको निमंत्रण मत दिया, तो साधु हो गया, अगर आएगा तो बदनामी होगा, आएगा तुम्हारे पास में ले इसकी क्या साधु बदनामी होगा, इसलिए उसको पास में एक पत्र लिख दो, इतने चीज मांगो इतने पैसा मांगो, उसको पास में मुंह दिखाने के लिए नहीं आए, वो जितना चाहिए ना उसमें 100 गुना ज्यादा लग दिया उसने, हमको इतने दुपड़ा चाहिए, इतने सोने चांदी चाहिए, इतने हमें ये चाहिए, उनने इतने लिख दिया उसने जैसे आ ही नहीं सके, हाँ वो आ ही नहीं सके देख करके। लेकिन उन्होंने हैं और उसने मिलने के लिए गया अपना बेटी की, और बेटी से मना कर दिया, बोले नहीं मिल सकते, मैंने जो पर्चा दिया है ना जब तक इसको नहीं दो तो मिल नहीं सकते हो। बस भगवान को ऐसे प्रार्थना की, ऐसे सोने चांदी की मोहर बरसाने लग गए, ऐसे सोने चांदी की मोहर बरसाने लग गई, वो तो देख देख कर दंग, सोने की ईंट जितना चप्पल जितने मांगते थे 1000 गुण, इतने ठाकुर बरसाने लग गई ना, वो तो देख देख कर दंग रह गए। ऐसे ठाकुर जी भात भरे ना सावरिया सेठ ने, उन्हें स्वयं ठाकुर जी सेठ बनकर चले गए हैं, बन करके लक्ष्मी नारायण स्वयं पहुंच गए, और इतने दिया ठाकुर जी देख देख कर दंग हो गए। इसलिए कहते भगवान से मांगने का जरूरत नहीं, अगर हम उसकी भक्ति सेवा से करो ना उनका भगवान की, वो ठाकुर अपने आप दे देंगे। तुम कहते देखो तुम दोनों हाथ से कितना ले सकते हो, अगर वो 1000 हाथ से दे, अगर वो 1000 हाथ से दे 2 हाथ से कितना भर सकते हो, लेकिन वो अगर 1000 हाथ से ले 2 हाथ से कितना भर सकते हो, वो भर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या करो, उसकी शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनका नाम करो, बस ठाकुर जी अपने आप तुम्हें इतने झोली भर देंगे ठाकुर जी, जो कि रख नहीं सकते हो, तो इसको रख नहीं सकते हो, इतने ठाकुर जी झोली भर देंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते भैया मांगने का कोई जरूरत नहीं, केवल नहीं तो भगवान को अपना नौकर बनना हो जाता, ठाकुर को हम नौकर बना देते हैं। तहा अपराध ऐ जने भगवान ने सेवा जने भगवान के ना डाकिले वहाँ के व्यर्थ नाम व वृथा नाम बोला है, इसलिए कहते भगवान का नाम लेकर के हैं, इसलिए उनको बुला रहे उनकी सेवा के लिए, ठाकुर जी कृपा करके अपना सेवा हमें प्रदान करो, आपकी चरण की हमें सेवा करो। इसलिए जिसु बोले डोंट टेक गॉड नेम इन वैन, यहाँ द्वारा जो अनु भगवान नाम लेता है वे ना सय ने स्वपन ने आहार विहार सकल समय सर्वस्थान भगवान नाम लेता है वे ना तहा उदिष्ट है नाही। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु कहते हैं कि सय ने कि भोजन ने कि वा जागर ने आहार ने सचिंता कृष्णा बोला, भगवान का निर्देश है हर समय क्या करो उनका नाम लो, सोते समय जगते समय चलते समय उठते समय हैं
हाथों में जो कुछ होगा ठाकुर का सेवा मान कर करो, हाथों में और मुंह में ठाकुर का नाम, हाथों में काम मुंह में नाम की नाम का बड़ा भारी। हर समय जैसे गोपियां अभी तो घर गृहस्थ थी, लेकिन घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बोले क्यों झाड़ू लगा रहे हो, आज कान्हा घर में आएंगे, अगर धूल रहेगा तो ठाकुर का पैर में लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, रसोई बना रहे, जो छोंक दिए हाँ जिन्होंने जीरा जैसे छोंक तो मिर्च बहुत काली हो जाती बाप, उसको देखते कान्हा भी याद आ गया हाँ, कृष्ण प्रकट हो गए, बोला हर चीज में उन्होंने भगवान को, हर चीज में उन्होंने भगवान की याद करते थे हर चीज में हैं, इसलिए स्नान करती हैं क्यों, अच्छे शरीर होगा तब तो ठाकुर को सेवा करेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनते बोले गद्दे कपड़े से हम ठाकुर को सेवा कैसे कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहनेंगे तब तो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, इसलिए बच्चे को थपथप लगा करके सुलाती हैं हाथों में, लेकिन हाथ में तो सुला रही थे लेकिन मुँह में क्या कहती हैं, बोले गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी, हे कृष्ण हे जान तब हे सकेती, गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो हाथ में सेवा करती थी और मुंह में ठाकुर जी की नाम भगवान, इतने सरल उपाय दे दिया ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं है? बोले सुलभम भगवत नामम जीवासवर्तिनी तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथवा ध्यान दे, सुनो बहुत अच्छी बात भगवान कहते हैं, बोले सुलभम भगवत नाम, कहते कलयुग का जीव कितने बदमाश कितने दुष्ट हो कह रहे, कहते सुलभम भगवत नाम, भगवान ये नहीं बताए अगर तुम मेरे नाम लोगे कुछ पैसा देना पड़ेगा, बोले नहीं सत्यजुग में कठोर तपस्या करना पड़ता था हाँ, बिना खाए भी हजार हजार साल तक, त्रेता युग में एक यज्ञ करने के लिए जाओ हजार कितने पैसा खर्च होगा, दूध दही शहद हवन सामग्री घी लाओ लकड़ी लाओ 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 फूल चंदन लाओ कितने पैसा खर्च हो जाते थे, द्वापर युग में ठाकुर जी के अर्चन सेवा पूजा में बच्चा मृत लाओ धूप दीप अगुर चंदन कर्पूर फूल माला लाओ लाओ कितने पैसा खर्च हो जाता, लेकिन कलयुग में तो कोई जरूरत नहीं खर्चा करने का, बोले सुलभम भगवत नामम, भगवान का नाम को लो सुलभ मतलब बिना पैसा से तुमको भगवान का नाम मिलेगा, कोई पैसा की जरूरत नहीं, बोले जीवा जब असवर्ती फिर जब जो जीवा है वो हमारी अधीन है, जीवा को जैसे बोलोगे जीवा वैसे काम करेगा, बोले ठाकुर का नाम लो ठाकुर का नाम ले, बोले दूसरे को चुगली करो फिर चुगली करना शुरू कर दे, अब देखना जीवा को जो बोलोगे ना वही करेगा तुम्हारे है, इसलिए भैया दूसरे की चुगली नहीं करके क्या करो भगवान का नाम जप करो, ठाकुर का नाम लो हर समय है, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग है ना, जब महाप्रभु बोले देखो जब तक तो कोई लखपति नहीं होगा उसका हाथ का खाना मैं नहीं खाता, लखपति होनी चाहिए मतलब तो रोजाना एक लाख हरिनाम करो तभी मैं तुम्हारी वस्तु ग्रहण करूंगा, इसलिए देखना हमारे संप्रदाय महापुर के संप्रदाय में हर समय भक्त लोग अपने माला पास में रहते चलते चलते जा रहे हो प्रभु का नाम लग रहेगा, ठाकुर की नाम लेते लेते जाओ है, इसलिए गाड़ी में बैठ कर जा रहे हो प्रभु का नाम लेते लेते जाओ, घर में बैठ रही इधर उधर चिंता नहीं करनी प्रभु की नाम जप करो हर समय, क्योंकि यही धन्यता अंतिम समय में यही धन ही साथ में जाएगा और तो कोई धन जाएगा नहीं, यही धन तो साथ में जाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि जो मानव शरीर का जो एक एक श्वास बड़े अनमोल, जैसे अंबानी नाम सुने बोल दिया देखो इसका ये अंतिम श्वास, उसका परिवार बोले तुमको चार कोई नहीं दूरे देंगे, उसका चार श्वास उसको वापस ले आओ और चार श्वास बढ़ा दो, बढ़ा सकते हैं, इसलिए संत कहते हैं ये मानव शरीर की एक एक जो श्वास नहीं एक एक कोई नहीं हीरे से भी ज्यादा कीमत है, ये श्वास का सार्थक रहा कब, जब हम श्वास श्वास में ठाकुर जी का नाम जप करें, ठाकुर जी की नाम जप करेंगे तभी ये श्वास की सार्थकता है, हैं तभी श्वास का सार्थकता है, नहीं तो श्वास का कोई महत्व नहीं, और ये मानव शरीर है जो मानव शरीर है कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसी जीवन में ही मुक्ति मिलेगी और किसी जीवन में
मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र कहता भैया जीवन को बर्बाद मत करो, खा पी करके सो करके इधर उधर बात करके उसको बर्बाद मत किया करो। क्या करो, हर समय भगवान के नाम जप करो, भगवान की इसलिए कहते तथापि नरकम जाती कि मैं आश्चर्य था परम। भगवान बोले मेरा नाम लो, कुछ पैसा की जरूरत नहीं, जीवात्मा के अधीन में तब भी लोग नरक जा रहे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम जप करो, सवेरे नहा धो करके ये करके सारे काम को जितने को हम अपना जितने को हम अपना इम्पोर्टेंट समझते हैं, हाँ अपना महत्व है, सारे काम को पहले पीछे रखो। पहले सबसे सवेरे उठकर क्या करो, माला लेकर भगवान की सबसे पहले भजन करो। क्यों, यही साथ में जाएगा, एक तुम्हारे साथ में, और कोई चीज जाएगा नहीं यहाँ से। और जो जाएगा तब उसको प्रति समय क्यों नहीं दे, जो नहीं जाएगा उसको पीछे क्यों, उसको पीछे क्यों घूमे, घुमा उसको लिए लेकिन भगवान की सेवा मान करके। लेकिन सवेरे उठ करके तो कम से कम बैठ करके हरिनाम तो करो, थोड़ा गीता तो पढ़ो, थोड़ा रामायण तो पढ़ो, थोड़ा भागवत तो पढ़ो, हैं सवेरे उठ करके क्या करो, पहले ये काम करो, उसको उसके बाद में दिन भर अपना काम काम करते रहो। देखो एक स्टोरी सुन लो, बढ़िया स्टोरी, इसको इसको याद कर लेना, कई कथा सुना सकता है, अच्छी तरह सुन लो। क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये चीज बोल। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंख बंद मत करो, सबको स्टोरी बोल कर फिर पूछूंगा कि आपने सुना है, कोई आंख बंद करो, सब खोल करके बैठो, ठीक है, अभी पूछूंगा स्टोरी सुना करके इसको याद है। देखो एक समय कोई बहुत बड़ा कोई दुखी दरिद्र व्यक्ति था, वो दर 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 भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते एक बहुत बड़ा जमींदार के घर में पहुंच गया, बोले बाबू जी कुछ दे दो। उसने कहा तू तो काम कर खा नहीं, क्यों खाते नहीं है, काम कर क्यों नहीं खाते। बोले बाबू जी मैं थोड़ी भीख मांगना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ काम करे, लेकिन सोने में भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता है, अभी लास्ट में इसको अभी मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। बोले ठीक है, एक काम करोगे, बोले बताओ। बोला मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेस का मैं तेरे को पार्टनर बना लेता हूँ। बोले सवेरे कोई नहीं मिले, मैं ही मिल गया, हंसी दिले करने के लिए मैं ही मिल गया है, आप कहाँ इतने बड़े जमींदार, आप कह रहे हो पार्टनर बना दो। बोले नहीं पार्टनर नहीं, बोले क्या है, बोले पूरा का पूरा बिजनेस ही खुले, बोले और कोई मिले ही नहीं, सवेरे मैं ही मिल गया तुमको है। बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरा का पूरा तेरे को बिजनेस दे देता हूँ, और एक काम करना मेरे को महीना को बाद लास्ट में मेरे को 10% देना और 90% तू रख लो। कितना रख लो, 90% तू रख लो और मेरे कितना दे दे, 10%। ये चीज अच्छे तरह सुनो, बड़े कीमती चीज है, 10% मेरे को दे दो। बोले अगर बाबू अगर ऐसे करोगे ना, दिन रात मेहनत करके मैं पैसा कमाऊंगा, ले ले अभी से तू बिजनेस संभाल। लेकिन बोला था एक महीना से पहले मैं दे जाऊंगा, है महीना पूरी होते है। लेकिन जब एक महीना बीत गया ना, देखा वो व्यक्ति आया नहीं, तो उन्होंने सोचा भैया क्या हो गया। बोला तो महीना से पहले दे जाऊंगा, अभी तक तो आया ही नहीं, सोचा शायद बिजनेस में ज्यादा बिजी हो गया, कोई बात नहीं अच्छे तरह से बिजनेस संभाल। लेकिन 2 महीना हो गया, जब 2 महीना हो गया देखा तब भी वो नहीं आया, भैया क्या हो गया है, सारे बिजनेस दे दिया, बोला महीना से पहले दे जाऊंगा अभी तक भी नहीं आया। कुछ दिन में 3 महीना हो गया तभी नहीं आया, 4 महीना हो गया तभी नहीं आया। उसने कहा भैया उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, एक बार देख देख करके आओ, वो कर रहा है क्या, वो देखने के लिए आया तो सचमुच से धमाधम काम कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, बड़ा सुंदर आलिशान मकान बना दिया। तो उसने कहा तो मेरे को जानते हो, उसने कहा आप कौन हो, वो कहते आप कौन हो, बोले मैं कौन हूँ, अरे पूरा बिजनेस मेरी थी ना, मैं तेरे को पूरा पूरा बिजनेस दे दिया। बोले ओ आप वही हो, हाँ मैं वही हूँ, और मैंने कहा था तो मेरे को 10% देने के लिए, तू 4 महीना हो गया अभी तो तुम भेंट करने के लिए नहीं आया। तो वो कहता किस चीज के 10%, वो कहता किस चीज के 10%, कमाऊंगा मैं, धमाऊंगा मैं, मेहनत करूंगा मैं, और तेरे को बैठ बैठ कर 10% क्यों दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा उसको आप क्या बोलोगे, बेईमान। क्या बोलोगे, बेईमान बोलोगे ना, यही चीज वो समझो। ये दुनिया किसके है, ठाकुर जी। किसने दुनिया को बनाया, ठाकुर जी। किसने कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया, ठाकुर।
ये दुकान मकान हमें किसने दिया? ठाकुर ने दिया, सब कुछ ठाकुर ने हमें दिया है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं भैया मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, दुकान मकान जीवन सब कुछ, लेकिन कम से कम तुम मेरे को 10% दिया करो। पैसा ठाकुर जी नहीं मांगते 10% पैसा, कर जो समय में 10% ठाकुर जी समय में 10% मांगते हैं। अगर 24 घंटा का अगर 10% करोगे ना करके 2.5 घंटा होता है, कितना होता है 2.5 घंटा, कितना होता है 2.5। ठाकुर जी कहते भैया कम से कम सवेरे उठ के 2.5 घंटा तुम्हें दे, लेकिन हम क्या कहते तू कौन हो? ठाकुर जी कहते हैं तू कौन हो, तेरे भजन क्यों करेंगे, तेरे भजन क्यों करेंगे, करेंगे तो दुनियादारी भजन करेंगे, बेटा बेटी नाती पोती जो बाद में तुम्हारी बदनामी चुगली करेंगे उनकी हम करेंगे। मैं उसी दिन बता रहा था ना, संसार में जो कुछ करते हैं ज्यादा से ज्यादा दूसरों को सुख देने के लिए है ना, बेटे को कैसे सुख दे, भोग कैसे सुख दे, पिताजी को कैसे सुख दे, परिवार को कैसे सुख दे, अभी सबके लिए सुख के लिए करते हैं ना। अभी तक तुम्हारे पर कोई खुश है बता परिवार में? देखना तुम्हारी बहू तुम्हारी चुगली करते होंगी, बेटा बेटी बदनाम करते होंगे, हैं जो कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन फिर ना तुम्हारे सब बुराई पीछे करता हूँ। जो बुराई करते हैं उनके लिए तो हमें समय देने के लिए तैयार है, लेकिन जो बुराई नहीं करते हैं जो अपना चरण में स्थान शांति सुख दे उनके लिए करने के लिए हम राजी नहीं। हम कहते तू कौन हो, तुम है कौन? इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही विसर आई, कैसे नमक हरामी और मौसम को नी। जिसने सब कुछ तेरे को दिया जिनी तनु दही ताही विसर आई तो उसे ही मुड़ कर बैठ गया, और जो कुछ ने कुछ दिया ही नहीं बात जो बदनाम करने वाला दिन भर उसको पीछे लगे, दिन भर से यही सुख देगी। भैया जगत में कोई सुख देने वाले नहीं, अंतिम समय में हमारी कोई भी काम आने वाले नहीं। क्या करो जितने को अपना ड्यूटी हम समझते हैं सारे ड्यूटी को पीछे, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे सौ काम छोड़ कर भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना बिजनेस करो, और करोड़ों काम छोड़ कर भोजन करो, करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, माला लेकर बैठो, हरिनाम करो, गीता रामायण पढ़ो, तुलसी की परिक्रमा करो, ठाकुर को सवेरे उठ करके ठाकुर जी की आरती पूजा करो, ठीक है ना। वन बिहारी लाल की जय। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हर समय क्या करो, सायं में स्वप्न में हर समय ठाकुर जी की नाम को लो, एक बार हाथ उठा बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय भगवान का नाम करो, भगवान की भक्ति करो, उनकी भक्ति में उनकी प्रेम में शांति सुख है, और वही साथ में अंतिम समय में जानी चाहिए। इसलिए भगवान को निष्कपट होकर के ठाकुर जी को डाको, और जो कुछ काम पीछे ठाकुर जी स्वयं आकर करते हैं। हम लोगों ने भक्त का नाम सुने थे नाम देव नाम सुने ये इनके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, वो दिन रात को पति पत्नी घर में कोई नहीं, लेकिन पूरा ठाकुर को सेवा में पूरा जीवन दे दिया, पूरा ठाकुर को सेवा में छठ भक्त, इसलिए पूरा ठाकुर को सेवा में उन्होंने पूरा अपना जीवन दे दिया, 24 घंटा उनकी सेवा करते। अभी ठाकुर जी को देख कर सारी नहीं हुआ, ठाकुर जी बैकुंठ छोड़ गए आगे, और उन्होंने क्या नाम ले लिया, मेरा नाम श्रीखंड है, क्या नाम है श्रीखंड है, ये नाम लेकर के ठाकुर जी उसकी घर में सारी सेवा करते थे, तालाब से पानी लाना, ठाकुर के लिए अभिषेक के लिए गंगा पानी लाना, घर बस झाड़ू बुहार करना है, उसके लिए सब्जी अमनिया करना, सारे सेवा यही करते थे, कौन करते थे ठाकुर जी करते थे। एक समय किया हुआ कोई एक भक्त ने लक्ष्मी नारायण की कोई भक्त था, तब उन्होंने उपासना की, जब उपासना की इतने में अकेले माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, माँ लक्ष्मी आई तो उन्होंने पूछे भैया माता जी आप अकेले आए हो, प्रभु जी कहाँ है? बोले प्रभु जी अभी मरते जगत में श्री नामदेव का घर में उसकी घर में सेवा कर रहे हैं, उसको घर में सेवा कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम ठाकुर को दर्शन करना चाहते हो मरते जगत में जाओ,
वहां पर एक भक्त है उसका नाम नामदेव, आप उसके घर में एक नौकर है उसका नाम श्रीखंड है, वो जो श्रीखंड है ना वही ब्रह्मा है। अभी सुन करके वो भक्त आए, जब आए इतने में श्रीखंड अंदर से आए, जब आए तब वो संत पूछा घर में श्रीखंड जी है, बोले आप उनको क्यों ठाकुर जी कर, आप उनको क्यों ढूंढ रहे हो, बोले मैंने ठाकुर जी को उपासना की भक्ति की, माँ लक्ष्मी अकेली प्रकट हुई, मैंने पूछा प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी मैया ने बोली अभी इस नाम देव का घर में वो श्रीखंड नाम लेकर के घर में उसकी सेवा कर रहे नौकर रूप में, इसलिए श्रीखंड है मैं उनको दर्शन करना चाहता हूँ। ठाकुर जी सोचे यहाँ और रहना नहीं मिलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं पकड़ में आ गया हूँ अभी विवाह रहना नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी बस वही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, जो पीछे थोड़ी जाकर अंतर ध्यान हो गए उसमें गया जाकर के नामदेव से मिले, बोले आपका घर में श्रीखंड कहाँ है, हाँ बोले श्रीखंड कहाँ है, बोले देखो काम कर रहा है चलो पानी लेने के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए पानी लेने के लिए गया, आया तो आया ही नहीं, तो आया नहीं तो उन्होंने पूछा भैया वो कहाँ गया, तो उन्होंने पूछा भैया तुम श्रीखंड को क्यों ढूंढ रहा था, बोले इसीलिए मैंने ठाकुर जी का जो उपासना की वहाँ माँ लक्ष्मी अकेली प्रकट हुई, और मैंने पूछा प्रभु जी कहाँ है, तो उन्होंने बताए नामदेव का घर में नौकर श्रीखंड का नाम लेकर कुछ घर में ये नौकरी कर रहा है सेवा कर रहा है, बोले हे भगवान ठाकुर जी स्वयं थे, ठाकुर थे और मेरे घर में ठाकुर को पानी लेना रसोई बनाना घर की झाड़ू बुआई करना ठाकुर स्वयं कर रहे थे। देखो यहाँ पर कहते हैं अगर ठाकुर का कोई एकांत ऐसे भक्त हो ना भगवान के भजन करे तो ठाकुर स्वयं आकर तुम्हारे घर में किसी ना किसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कृपा से सारे काम हो रहा है, इसलिए भगवान की प्रति विश्वनाथ जी कहते हैं जो भक्त जीवन भर मेरी सेवा करता है जीवन भर मेरी भक्ति सेवा करता है, जब वो वृद्ध हो जाए अगर उनसे कुछ नहीं हो पाए उसका फिर काम को कौन करेगा, ठाकुर जी कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं मेरे को उसका काम करना पड़ता है, क्यों तो जिंदगी भर मेरा भजन किया मेरा नाम लिया मेरी भक्ति की, अभी तो वृद्ध हो गया उसको सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी कहते मेरे को करना पड़ेगा पढ़ने लग जाता है, इसलिए क्या करो खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा ठाकुर को खूब करो भक्ति करो, बस ठाकुर जी की कृपा होगा तो बस हमारे काम अपने आप चलते रहेगा, हमारे काम अपने आप चलते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम, इसलिए हमको प्रभुपाद का तो पूर्ण विश्वास, प्रभुपाद ये कहते हैं भैया को भक्ति करो भजन करो अगर कमी पड़ेगा ना, प्रभुपाद कहते हैं मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ले आऊं, वो कहते हैं मैं सोने की गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ले आकर तुमको दूंगा, इसलिए चिंता मत करो, महाप्रभु कहते हैं अगर लक्ष्मी को भी कभी दरवाजा दरवाजा में भीख मांगने पड़ जाए लेकिन मेरे भक्तों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा, क्यों वो मेरे आश्रय में पड़ा हुआ है, मेरे आश्रय में वो पड़ा हुआ है, इसलिए दृढ़ विश्वास करो भगवान का भजन करो भक्ति करो इसमें शांति और सुख है, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की।